श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय अध्यक्ष जी, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर निरंतर दूसरी बार विराजमान होने के लिए मैं सबसे पहले अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और आपका बारंबार अभिनंदन करती हूं। अध्यक्ष महोदय, आज आपको निरंतर दूसरी बार इस आसन पर विराजमान होते देखकर मुझे 1963 की एक फिल्म बंदनी का एक मशहूर गीत याद आ रहा है, ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल ना जाना। और आज आपको यहां देखकर इस गीत की और भी अधिक प्रासंगिकता प्रतीत हो रही है। मुझे 17वीं लोकसभा का अंतिम दिन याद आ रहा है अध्यक्ष महोदय, जब हम सभी ने बड़े भारी मन से आपको विदाई दी थी, लेकिन अपने शब्दों में पिरोकर हमने अपने इसी मनोभाव को उस समय आपके समक्ष रखा था कि ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। और आप लौट कर आए हैं, हम सभी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपको अपने बीच दोबारा इस आसन पर देखकर हम बहुत आनंदित हैं, गौरवान्वित हैं। अध्यक्ष महोदय, आपसे पहले 18 अध्यक्षों में महज 5 ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिनको दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष बनने का निरंतर अवसर मिला। एम ए अयंगर जी, डॉक्टर गुरदयाल ढिल्लो जी, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जी, डॉक्टर बलराम जाखड़ जी और जीएमसी बालयोगी जी। लेकिन इनमें से किसी भी अध्यक्ष ने 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं किया। हमें गर्व है कि आप लगातार दूसरी बार निर्वाचित होने वाले ऐसे अध्यक्ष होंगे जो 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड दर्ज करेंगे और लोकसभा अध्यक्षों के इतिहास में यह आपकी एक स्थायी विरासत होगी। अध्यक्ष महोदय, हम सभी सांसद तो यहां केवल अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आप पक्ष और विपक्ष इस पूरे सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस सदन की गरिमा के साथ साथ इसकी शक्ति का भी प्रतीक है। और आपका जो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल रहा, वो तमाम उपलब्धियों से भरा हुआ रहा। अध्यक्ष महोदय, आपने एक निष्पक्ष अध्यक्ष के रूप में अपनी छवि को गढ़ा है और अनेक उपलब्धियां आपके उस कार्यकाल की रही हैं, जिसका जिक्र मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने भी किया है। मैं आपके इस कार्यकाल में यही उम्मीद करती हूं कि आपके कुशल मार्गदर्शन में तमाम और उपलब्धियों के अध्याय, नए अध्याय जुड़ेंगे और पक्ष विपक्ष हम सभी को लोकतंत्र को आपके मार्गदर्शन में मजबूत करने का एक और सुनहरा अवसर मिलेगा। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं।